हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा कार्टून वीडियोस को लेकर है। एक्चुअली हो रहा क्या है कि कार्टून वीडियोस जब भी हम अपलोड करते हैं तो वहाँ पर हमारे सामने कॉपीराइट स्ट्राइक देखने को मिल जाती है। लेकिन आप यदि खुद के कार्टून बनाकर अपलोड करोगे तो आपको कोई कॉपीराइट नहीं स्ट्राइक नहीं आएगी, क्योंकि आपको वो तो ओवन है। लेकिन आप चाहते हो कि यार दूसरे कुछ बनाना भी ना पड़े और हम जो है फिर भी उन्हें अपलोड कर दें, खुद को बनाना भी ना पड़े, किसी का कंटेंट कॉपी कर दें और जो है हमारे कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। तो यार ये तो एक गलत बात है ना, किसी के अधिकारों का उल्लंघन करना गलत बात होती है। लेकिन आप जो आज मैं तरीका बताऊंगा उसके अंदर गलत बात भी नहीं होगी, आपको जो है गिल्टी फील भी नहीं होगा और बिल्कुल आपको लगेगा कि हाँ हमने मेहनत की है, हमारा कंटेंट है ये, बल्कि उठाया आपने दूसरों का है, फिर भी आपको कोई भी गिल्टी फील नहीं होगा, क्योंकि इसमें तरीका ही कुछ ऐसा बताने वाला हूँ आपको। तो वीडियो को लास्ट तक देखकर जाइएगा और अच्छे से आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आपको जो है ये सब करना है। तो सबसे पहली बात, कॉपीराइट स्ट्राइक आप क्या आती है, उससे पहले आपको यह समझना होगा कि कॉपीराइट स्ट्राइक का मतलब क्या होता है। सिंपली सब समझते हैं, लेकिन आपको सिंपली बताना हो तो कॉफी कॉफी मतलब किसी के कंटेंट को चुरा लेना, किसी कंटेंट को कॉफी कर लेना, और राइट्स मतलब उसके अधिकार, मतलब उसके अधिकारों की कॉफी कर लेना, मतलब जो उनके अधिकार थे उसके ऊपर उनका उल्लंघन हम कर रहे हैं कि उसने खुद ने बनाया है, मेहनत की है और हम उसे चुरा रहे हैं, दिस इज रॉन्ग थिंग। लेकिन आगे की बात कर लेते हैं। लेकिन हमें जो अब करना क्या है, हमें करना है बिल्कुल नियमों का पालन करते हुए चलना है, फिर देखते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक आखिर आता कैसे है। तो यहाँ पर YouTube एक फीचर देकर रखता है हमको कि यदि हमें कोई चीज चाहिए, मान लीजिए कोई वीडियो चाहिए और उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आए, तो YouTube ने ऐसे वीडियोज भी अपने अंदर डाल रखे हैं कि आप जो है उन वीडियोज को यूज कर लीजिए, हमारे तरफ से कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। मतलब एक्चुअली यह होता क्या है, कॉपीराइट कहां से आता है, कंटेंट आईडी की वजह से आता है। तो आपको जो भी कंटेंट आईडी लेकर रखे हैं यूट्यूब से, कंटेंट आईडी का मतलब होता है कि जहां पर कॉपीराइट स्ट्राइक जो बड़े चैनल्स होते हैं क्या होते हैं कि अब वो बैठे तो रहेंगे नहीं, उनको कैसे पता चलेगा हमने उनका कंटेंट यूज किया है। तो वो बड़े चैनल्स क्या करते हैं, कॉपीराइट कंटेंट आईडी ले लेते हैं जिनसे ऑटोमेटिक आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। यूट्यूब नहीं देता है एक्चुअली, ऑटोमेटिक आ जाती है वो, क्योंकि वो जो है कंटेंट आईडी लेकर रखते हैं यूट्यूब के थ्रू। लेकिन यहां पर बात करते हैं अब आखिर हम यूट्यूब के नियमों का बिल्कुल पालन करके जिससे यूट्यूब आपको कॉपीराइट नहीं दे सकता वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है आपको सिंपल यूट्यूब में जो भी कार्टून वीडियो चाहिए उसको सर्च कर लीजिए कि ये यूट्यूब से मुझे कार्टून वीडियो उठाना है, अपने चैनल पर अपलोड करना है, उसको सिलेक्ट कर लीजिए, सर्च कर लीजिए। कर लिया उसके बाद में आप उस टॉपिक को सर्च कर लीजिए, सिंपली वीडियो को सिलेक्ट मत कीजिए, टॉपिक को सर्च कर लीजिए। अब आपको क्या करना होगा, ऊपर थ्री लाइंस आपको देखने को मिलती है, वहां पर सिंपली क्लिक कीजिए और उसके अंदर जो आपको नीचे फिल्टर्स का ऑप्शन मिलता है वहां पर जो है क्लिक कीजिए क्रिएटिव कॉमन्स पर। क्रिएटिव कॉमन्स पर एक्चुअली क्रिएटिव कॉमन्स पर वही कार्टून वीडियो आएंगे और अच्छे अच्छे देखने को मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि मिलते नहीं, क्रिएटिव कॉमन्स पर वही कार्टून वीडियो देखने को मिलता है जो यूजर खुद, चैनल वाला खुद हमें कहता है कि हाँ भैया यूज ले लो, मैं इस पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आपको नहीं दूंगा और यूट्यूब भी उसको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर उसके नियमों का उल्लंघन माना जाएगा क्योंकि उसने खुद ने हमें जो है परमिशन दी है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके सामने कॉपीराइट स्ट्राइक देखने को मिल जाती है उन पर भी, तो अब हमें क्या करना होगा, उस वीडियो को जो सिंपली डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में उसमें कुछ एडिटिंग हम करेंगे जिससे आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी। एक्चुअली क्या होता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक आने का सबसे बड़ा चांस होता है एक तो म्यूजिक के ऊपर, तो म्यूजिक क्या होता है कि हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, वो किस तरह से करेंगे, वो क्या क्या चेंजेस हमें करना है, क्या क्या सेटिंग्स उस वीडियो की जो हमें चेंज करनी है जिससे कॉपीराइट 0% चांस बन जाए। लेकिन जो है फिर भी मैं इस वीडियो के अंदर, वैसे नहीं आता है लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि जो आपके 100% तो चांस नहीं है, इसके अंदर 99% मैं आपको कह सकता हूँ कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। आएगा तो कॉपीराइट क्लेम आएगा जिसका आपके चैनल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो भी नहीं आए इसके लिए मैं एडिटिंग आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहां पर जाकर समझ लेते हैं इन सभी। हाँ तो गाइस आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद में आपको सिंपली काइनमास्टर को ओपन कर लेना है। काइनमास्टर को ओपन करने के बाद में यहाँ पर सिंपली प्लस के आइकन पर क्लिक कर लेना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद में 16:9 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। यदि आपको काइनमास्टर की विदाउट वाटरमार्क लिंक चाहिए और भी इसके कई सारे फीचर्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सिंपली यहाँ पर मीडिया पर सिंपली अब आपको क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद में आपको देखिए यहाँ पर कि कई तरह के जो है वीडियो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली जो है ये वाला एक कार्टून मैंने डाउनलोड किया है, इसको सिंपली हम ले लेंगे। यहाँ पर इस कार्टून को हमने ले लिया। अब देखिए इसके अंदर एडिटिंग क्या करनी है। देखिए सबसे पहले तो हमें लास्ट की एडिटिंग को इसको डिलीट करना है, जिसमें लाइक शेयर वगैरह वगैरह मतलब जहाँ पर इसने अपने चैनल का प्रमोशन करने की कोशिश की है। देखिए इसको तो राइट क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर यहाँ इन इन जगहों पर इन्होंने क्या किया है कि अपने चैनल के प्रमोशन करने की कोशिश की है। तो सिंपली देखिए यहाँ से जितना है लास्ट का पार्ट हमें डिलीट कर देना है, जैसे यहाँ तक हो गया, ये देखिए इतना हो गया। और यहाँ पर सिंपली देखिए अब इस पार्ट को जो है
कट कर देंगे इतना था, तो यहाँ पर ट्रिम टू राइट प्लेहेड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये कट हो चुका है। अब शुरुआत में भी हम यही काम करने वाले हैं, तो चलते हैं शुरुआत के अंदर और वहाँ पर जाकर देख लेते हैं हमें क्या करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस टाइमलाइन को कुछ इस तरह से मूव करके छोटा कर लीजिएगा, मैं भी कर लेता हूँ ताकि आपको जो है ज़्यादा टाइम ना लगे। और यहाँ पर देखिए ये टाइमलाइन है, और शुरुआत के अंदर जो यहाँ पर इसने अपने चैनल का प्रमोशन किया है, मतलब अपने चैनल का इंट्रो वगैरह दिया है, उसको डिलीट कर दीजिए। इतना था, बड़ी 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 बारीकी से आप कर सकते हो यहाँ पर सिंपली। अब इसको कट कर देते हैं कुछ इस तरह से, इतना काम हो गया। अब देखिए कुछ इस तरह से प्ले होगा, तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर अभी साउंड आपको जो सुनाई नहीं दे रहा होगा, सुनाई भी दे रहा होगा तो बहुत ही लो आवाज़ में आपको सुनाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर ये हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे सामने कई इफेक्ट देखे हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर ये इस तरह से वर्क करता है, इस तरह से कुछ बातें करता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमारे पास कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक आने के अब चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऊपर जो की तरफ दिख रहा है जो अपने चैनल का जिन्होंने जो लोगो देकर रखा है, इसकी जगह आपको करना क्या है, सिंपली अपने चैनल का लोगो लगा देना है। सिंपली इनपुट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपने चैनल का लोगो लगा सकते हो, या आप सिंपली जो है अभी हम अपने चैनल का इंट्रो जो लोगो लगा लेते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे चैनल का लोगो कुछ इस तरह से है, लेकिन यहाँ पर ऊपर वाले पर एडजस्ट ज़्यादा अच्छे से नहीं होगा, तो इसको एडजस्ट करने के लिए मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्रॉपिंग पर क्लिक करेंगे और इसको जो है क्रॉप कर देते हैं। चलो चैनल का नाम नाम ही हम रहने देते हैं, इतना ही हम रहने देंगे। ओके, और यहाँ पर इसको राइट टू प्लेहेड पर क्लिक कर लेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से। और अब यहाँ पर इसको जो है ऊपर ले जाकर हम इस तरह से अपने चैनल को, चैनल के नेम को जो हम एडजस्ट करना है, मतलब कुछ भी करके इसके जो है चैनल का नाम आ रहा है उसको हमें हटा देना है यहाँ से। अब पूरे पर इसको क्लिक कर देना है, यहाँ पर जो ये इमेज है इसको पूरे को लास्ट तक हमें एंड से, शुरुआत से लेकर एंड तक लगा देनी है ताकि पूरे लोगों पर पूरे वीडियो में लगा रहे। और आपको ये थोड़ा सा अच्छे से कर लेना है, काइन मास्टर को बेसिक से लेकर लास्ट तक सीखना चाहते हो तो भी हमें हमारे चैनल पर इसकी सीरीज़ पूरी आपको मिल जाएंगी, बेसिक वीडियो एडिटिंग प्लस एडवांस वीडियो एडिटिंग, जिसके अंदर सभी सॉफ्टवेयर सभी एप्लीकेशन आपको एक साथ समझाए गए हैं। चलिए यहाँ पर इतना काम हो गया। इतना काम होने के बाद में देखिए अब यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब आपको सिंपली इसके फिल्टर पर जाना है, यहाँ पर करना है क्लिक, और यहाँ पर फिल्टर को जरूर चेंज करना है आपको ताकि इसको पहचाने में जो है आसानी हो। तो यहाँ पर सिंपली बेसिक फिल्टर से आप अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह के फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक फिल्टर अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर ये वाला फिल्टर जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है तो ये अप्लाई कर दूंगा। आप कोल्ड में जाकर कई फिल्टर देख सकते हो, ये वाला देख सकते हो, या फिर ये वाला देख सकते हो, ये वाला देख सकते हो, लो सेचुरेशन में भी काफी इफेक्ट मिल जाते हैं। तो सिंपली मुझे बेसिक वाला ये वाला पसंद आया तो मैं इसको राइट क्लिक कर दूंगा और यहीं पर अप्लाई कर दूंगा। उसके बाद में जो सबसे बड़ी बात आ जाती है म्यूजिक की, तो म्यूजिक के लिए आपको जो अभी जो सिंपली इसमें कोई म्यूजिक आपको सुनाई नहीं देगा क्योंकि माइक्रोफोन लगा हुआ है मोबाइल के अंदर। तो सिंपली माइक्रोफोन को एक बार रिमूव करता हूँ, आपको म्यूजिक में क्या क्या चेंज करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ी सी नॉइस आएगी अभी जो साउंड नेक्स्ट बोलूंगा क्योंकि माइक्रोफोन रिमूव हो रहा है, तो मैंने रिमूव कर दिया है सिंपली। अब आपको सामने क्या होगा कि अब देखिए कुछ इस तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर म्यूजिक देखिए यहाँ पर बहुत सारे हैं, देखिए नीचे लिखा हुआ है वीडियो बाय ब्लैक स्टूडियो, यहाँ पर इसको भी जो आपको जो ब्लर कर देना है या फिर डिलीट कर देना है, या फिर नीचे जो ब्लैक पट्टी लगा के इसको रिमूव कर देना है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर अपने सब्सक्राइब बटन लगा दीजिए, चैनल का लोगो लगा दीजिए, इस तरह से आप रिमूव कर दीजिए। इसके अंदर है बाकी कई वीडियोज में तो होते ही नहीं है, इतने सारे हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको। इतना काम हो गया, अभी आपको म्यूजिक पर चलना है। सिंपली हम जो है स्पीकर वाले पर क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। चलिए इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, साइड के अंदर कर देता हूँ, और यहाँ पर स्पीकर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये 0% है, इसको थोड़ा सा कम कर देना है ना। और यहाँ पर देखिए अब जो आवाज आपको सुनाई देगी कुछ इस तरह से सुनाई देगी, पतलू अरे चलो चलते हैं। लेकिन अभी भी आपको इसको चेंज करना है सिंपली। अब आपको किस किस चीज़ों पर जाना है, एडजस्टमेंट पर जाना है। यहाँ पर देखिए इसके तो लाइट सेचुरेशन है, इसको थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट करोगे ताकि ये दिखने में और भी ज़्यादा अलग दिख जाए। लेकिन अभी हमें आवाज़ पर काम करना है तो यहाँ पर इक्यू पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर एम रेडियो पर क्लिक करके देखोगे तो हमेशा की तरह मोटू और पतलू अपने घर में होते हैं, और अचानक एम रेडियो बेस रेड्यूस कर दीजिए। हमेशा की तरह मोटू और पतलू यहाँ पर एम रेडियो रहने दूंगा। उसके बाद में हमें वापस क्लिक करना हो और इसकी थोड़ी सी आवाज हमें बदलनी है तो यहाँ पर रिवर पर आपको जो है वॉल्यूम पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो इनवोलिप है उसको थोड़ा सा बढ़ाना है, मामूली से हल्का सा बढ़ा देना है ताकि आपकी आवाज जो है थोड़ी क्लियर सुनाई दे ना। और उसके बाद में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन हमारे रिवर्ब पर आता है, तो रिवर्ब पर बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं, कोई भी एक इफेक्ट आपको लगाना ही लगाना है तो स्टूडियो बेटर रहता है यहाँ पर। तो हमेशा की तरह मोटू और पतलू अपने घर में होते हैं। इतना काम होने के बाद में अब हमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वॉइस चेंजर। वॉइस चेंजर पर सिंपली आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है बहुत सारे। देखिए तो यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन की वॉइस आपको जैसे काइड वाले पर क्लिक कर दीजिए,
दोस्तों हमेशा की तरह मोटू और पतलू अपने घर में होते हैं और अचानक डॉक्टर झटका का मोटू का फोन आता है। डॉक्टर झटका मोटू को बोलते हैं, ओए मोटू मेरे यार, अरे मैंने नया इन्वेंशन बनाया है यार, जल्दी आओ मुझे ट्राई करना इसको कि ये काम कर रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा माइक्रोफोन लगा लेता हूँ मैं वापस। तो यहाँ पर देखिए माइक्रोफोन लगाने के बाद में सॉरी ये क्लिक हो गया, इसको वापस चलते हैं प्रोजेक्ट पर। यहाँ पर सारा का सारा काम हमने कर लिया है, वॉइस बिल्कुल चेंज हो चुकी है क्योंकि जो स्ट्राइक आने का सबसे ज़्यादा चांस आता है, जो सबसे ज़्यादा कैचअप होती है वॉइस होती है, वॉइस को तो हमने चेंज कर लिया। तो कार्टून वीडियो में जो क्वाइड की वॉइस होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, तो क्वाइड वॉइस को आप सिलेक्ट कर सकते हो वॉइस चेंजर की सहायता से। अब मैं आपको जो है 99% गारंटी देता हूँ कि आपकी जो इस वीडियो पर स्ट्राइक नहीं आएगी, बिल्कुल आप अपलोड कर दीजिए बिना किसी झिझक बिना किसी टेंशन के। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब इसको आप सिंपली शेयर पर क्लिक करके इसको जो है एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। ये एक्सपोर्ट करने के लिए आप 70x जो हो जो भी पिक्सल्स आप यूज़ करना चाहो 720p में कर लीजिएगा मेरे हिसाब से। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।